और अब बात अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ पर सुनवाई की। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुबह से इस मामले में सुनवाई हो रही है। कंगना के वकील ने बीएमसी की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट की बातों का उल्लंघन बताते हुए 2 करोड़ का हर्जाना मांगा। कोर्ट में कंगना के वकील से संजय राउत का वो बयान भी सुनाया गया उनकी तरफ से, जिसमें वो कंगना को सबक सिखाने की बात करें। हालांकि संजय राउत के वकील ने कहा कि कहीं भी कंगना का नाम इसमें नहीं लिया गया। कोर्ट ने संजय राउत को कल इस पर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। कोर्ट में कंगना के वकील ने बताया कि कंगना के सरकार के खिलाफ ट्वीट और संजय राउत से झगड़े की वजह से उनसे बदला लिया गया। तो कंगना रनौत के दफ्तर पर बुलडोजर चला था, नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा था और कंगना की तरफ से कहा गया था कि बीएमसी ने आनन फानन में, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ ट्वीट किए थे, उनसे बदला लेने के लिए कार्रवाई कर दी थी। हमारे साथ 2 सहयोगी संवाददाता इस वक्त इसी खबर पर और जानकारी लेकर आ गए, तंसीम हैदर और पंकज उपाध्याय। दोनों के पास हम सीधे लाइव बात करने के लिए चल सकते हैं। पंकज, अभी तक की सुनवाई में क्या चल रहा है? देखिए, सुनवाई तो अभी भी चल रही है। फटकार तो पहले ही हाईकोर्ट ने बीएमसी को लगा दी है और कहा है कि बरसात के मौसम में, जब पहले ही गाइडलाइंस दी गई थी कि एक तो बरसात है, ऊपर से कोविड चल रहा है, ऐसे में डिमोलिशन वर्क नहीं किया जाए तो ऐसी जल्दी क्या थी। दूसरी तरफ ये भी कहा कि अगर इसी तरह की जल्दबाजी बाकी इलीगल स्ट्रक्चर्स के लिए भी दिखाई जाती तो शहर और ज्यादा खूबसूरत हो जाता। अब संजय राउत का भी यहां पर बात आई है और उनको भी अपना एफिडेविट कल फाइल करना है। साथ ही साथ अब ये भी कहा गया है कि बरसात के मौसम में जो स्ट्रक्चर है उसको तो ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, उसको तो दुरुस्त करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ ट्वीट की भी बात आई है, कहा है जो अपशब्द इस्तेमाल किया गया था वो किस रेफरेंस में कहा गया था। दोनों से कहा गया, ना सिर्फ बीएमसी से बल्कि कंगना रनौत से भी कहा गया कि जो आपके सीरीज ऑफ ट्वीट्स थी, क्योंकि उन्होंने सिलेक्टिव ट्वीट्स दिए हैं, कहा है जो आपके पूरे ट्वीट्स हैं वो हमको देखने, अब अगर मसला कोर्ट तक आ गया है तो आपको छुपाने की कोशिश क्यों कर रही हैं, तमाम जो आपके ट्वीट्स हैं किस रेफरेंस में कहे गए हैं, क्यों कहे गए हैं, वो तमाम चीजें हमारे सामने पेश करी जाए और उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लेकिन जाहिर सी बात तो यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को फटकार जरूर लगाई है और इस वक्त यहां पर बीएमसी के लिए यहां पर अपने बयान देना और हाईकोर्ट को कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल यहां पर लग रहा है। कल संजय राउत का बयान भी सामने आने वाला है, उनको भी एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, आखिर उन्होंने जो अपशब्द का इस्तेमाल किया था वो किस रेफरेंस में किया था। तो इस वक्त आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा है कि अब पीछे नहीं मुड़ा जा सकता, आपने जो जो कहा है, जो जो लिखा है, जो जो ट्वीट्स करे हैं, जिस जिस रेफरेंस में दिए हैं, जिस जिस कॉन्टेक्स्ट में दिए हैं, वो सब सामने पेश किए जाएं। लेकिन तंसीम हैदर, हैरानी की बात है कि कंगना रनौत जो पिछले कई दिनों से लगातार एक के बाद एक हमले कर रही थी महाराष्ट्र की सरकार पर, आज की इस सुनवाई के बाद भी उनके हमले उतने तल्ख नहीं है, जबकि ये मामला फिलहाल का कम से कम ऐसा लगता है कि जो बातें वो कह रही थी वो अदालत सुन रही है और मान रही है। जी जाहिर है, यहाँ इतना जरूर साफ हो जाता है रोहित कि ये सिर्फ तोड़ फोड़ को लेकर ही नहीं बात हो रही है, अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो उस प्रोसीडिंग में ये भी बात हो रही है कि आपने क्या क्या ट्वीट किए, किन हालात में किए, उनका टेक्स्ट क्या था, उनका मकसद क्या था। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सुना सभी पक्षों को जाएगा, सभी के चीज़ें जो जो आई हैं सोशल मीडिया पर उनको एग्जामिन किया जाएगा। तो जाहिर है कि अभी तो सुनवाई चल रही है, लेकिन ये है कि किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगता कि जो भी चाहे कंगना ने किया हो या चले वापस आते हैं तंसीम आपके पास एक बार मुंबई हाईकोर्ट चले चल रहे हैं सीधे। विद्या हमारे साथ हैं, तंसीम आप रहिएगा हमारे साथ, वापस आएंगे आपके पास और बात करने के लिए। लेकिन विद्या, जो बातें चल रही हैं अंदर, पंकज बता रहे हैं, राजनीतिक तौर पर क्या ये महाराष्ट्र की सरकार के लिए, शिवसेना के लिए खास तौर पर ऐसा लगता है कि एक एम्बेरसमेंट की स्थिति हो रही है आगे?
जी बिल्कुल, आप देखिए पूरी सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीधे सीधे सवाल पूछा कि भाई आपको क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे, संजय राउत को जवाब देना है। तो संजय राउत के वकील ने ये कहने की कोशिश की कि जो क्लिपिंग, जो न्यूज की क्लिपिंग जिसमें कि कह रहे हैं संजय राउत कि इनको एक हम सबक सिखाएंगे, वो क्लिपिंग में कंगना रनौत का हमने कहीं नहीं नाम लिया है। लेकिन अदालत ने साफ साफ फिर पूछा क्यों आप कह रहे हैं कि जो आपने गाली दी थी जिस कंगना रनौत को, तो वो आपने गाली दी नहीं थी। तो जब उन्होंने ये कहा तो जवाब नहीं मिला तुरंत देने के लिए। उन्होंने सीधे कहा, उनके वकील ने प्रदीप थोराट ने, कि मैं कल एफिडेविट फाइल करूंगा। तो इस मुद्दे पर उन्हें कल एफिडेविट फाइल करना है, लेकिन वो क्या कहेंगे यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट बार बार कह रहा है कि जब आपको तोड़ने का हम आदेश कहते हैं कि बिल्डिंग को तोड़ दो, तब तो आप तोड़ते नहीं है। यहाँ तक कि कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट किए जाते हैं, कितनी बार तो हमने फाइन मारा है अदालत ने कि क्योंकि आप कंटेम्प्ट करते हैं, डिमोलिश नहीं करते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ मिनटों के अंदर, घंटों के अंदर आपने तोड़ दिया। तो ऐसी बात जब अदालत सामने रख रही है, और ये कंगना के वकील अदालत को कह रहे हैं कि मैलिफाइड इंटेंशन है, सोच समझ के इन्होंने, जस्ट बिकॉज ट्विटर पर झगड़ा हो गया तो आपने हमारी इमारत तोड़ दी, ये वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा साफ दिख रहा है। लेकिन किस तरह से वो अदालत में कहते हैं अपनी बात, वो देखने होगा। रोहित, कल सवेरे उन्हें ये अपनी जो एप्लीकेशन, जो एफिडेविट है, वो अदालत में पेश करनी होगी।